तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, एसआरके फिर से तहलका मचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब पठान आई थी एसआरके ओवरसीज से पूरे 40 करोड़ का कलेक्शन लेकर आए थे और इतना बड़ा अमाउंट इंटरनेशनली आज तक किसी भी बॉलीवुड मूवी को मिला नहीं था। सेम वाइव सेम एरा अब फिर से देखने को मिल रहा है, एसआरके की वही फॉर्म अब फिर से रिपीट होते नजर आ रही है। लेकिन इस बार तो और ज़बरदस्त आंकड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि जवान की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है ओवरसीज में और ज़बरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वाकई में दोस्तों एसआरके ग्लोबल स्टार है। अगर मैं आपको बता दूं तो यूएसए में इस बार जबरदस्त टारगेट करा जा रहा है जवान के मेकर्स के द्वारा और यूएई को अपना अड्डा तो है ही, खासकर दुबई। क्योंकि दोस्तों मैं दुबई का हाल बताऊं, अभी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और भाई साहब तबाही मचाई है जवान ने। वहां पर बुकिंग ओपन होते ही सारे सोर्स फुल, क्योंकि हर जगह ओपन नहीं हुए हैं दुबई में भी, कुछ कुछ जगह बुकिंग ओपन हुई है, विद इन आवर सीट फुल होते हुए दिखा है नज़ारा। दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो ओपनिंग ओवरसीज में अभी हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में ही हुई है और एकदम सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यूएसए में हाल बताऊं तो टेक्सास, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में भी विद इन एन आवर सारे सोच फुल हो गए थे। जी दोस्तों, अभी मूवी को रिलीज होने में करीबन 18 से 19 दिन बचे हैं और जो सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ओवरसीज से, भाई अमेजिंग। इसी के साथ दोस्तों यूके में भी जस्ट एक दिन पहले ही ओपनिंग हुई है, बुकिंग चालू हो गई है, वहां भी जबरदस्त ट्रेंड कर रही है मूवी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी बुकिंग चालू हो चुकी है और यहां भी एसआरके को भर भर के प्यार मिल रहा है। और अगर मैं यूके के हाल बताऊं तो यूके में सीधे आईएमएक्स की बुकिंग चल रही है और आईएमएक्स टिकट के प्राइस नॉर्मल टिकट से 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं। तो यस, नो डाउट यूके से एक सॉलिड कलेक्शन देखने को मिल सकता है जवान को अपने फर्स्ट डे पर। इसी के साथ दोस्तों नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक और जर्मनी में भी बुकिंग ओपन हो चुकी है, लेकिन 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब 50% ऑक्यूपेंसी वहां हो चुकी है बुकिंग में। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं मिल रहा है मूवी को, मिल रहा है, बट यहां थोड़ा आंकड़ा स्लो देखने को मिल रहा है। तो यस दोस्तों, और भी कंट्रीज में बुकिंग ओपन हो चुकी हैं, लाइक पठान। जैसे पठान को लगभग 100 देशों में रिलीज करा गया था, सेम जवान के साथ भी करा जाना है और लगभग 100 से ऊपर देशों में जवान को भी रिलीज करा जाएगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ाएंगे एसआरके। और जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग में रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बाय गॉड पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी ये मूवी ओवरसीज में कलेक्शन के मामले में अपने फर्स्ट डे का। जी दोस्तों, लगभग 48 से 50 करोड़ का आंकड़ा जा सकता है अपने पहले दिन में ओवरसीज से, क्योंकि पठान का 40 करोड़ गया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ, चलो 50 छोड़ो, 45 करोड़ का एक छोटा आंकड़ा ही ले लो। तो यस दोस्तों, मूवी अमेजिंग ग्रो करेगी नो डाउट। और डे वन का टोटल कलेक्शन अगर बताऊं ओवरसीज और इंडियन मिला के, तो गारंटीड 100 करोड़ के ऊपर तो जाएगा पक्का। बाकी फाइनल ट्रेलर 25 अगस्त के आसपास आ जाएगा मूवी का, तो दिल थाम के बैठ जाओ, सितंबर बहुत धांसू होने वाला है मूवी लवर्स के लिए, क्योंकि सितंबर की शुरुआत एसआरके करेंगे तो ख़त्म प्रभास करेंगे 28 सितंबर को अपनी सालार जैसी दिग्गज मूवी को लेकर। तो मैंने बहुत बोली, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, जवान सिर्फ एसआरके से 50 करोड़ का कलेक्शन ला सकती है क्या अपने पहले दिन में? और अपने पहले ही दिन क्या जवान 150 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।